भिवाड़ी में दिन दहाड़े एक ज्वेलर की दुकान पर डकैती का प्रयास किया जाता है और उसमें एक व्यक्ति गोली लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर एक समाज के लोग यहां पर भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री भजन लाल जी को ज्ञापन देने आए हैं। जानेंगे उनसे क्या कुछ पूरा मामला है, सब क्या मामला है एक बार जानना चाहेंगे। देखिए, भिवाड़ी के अंदर कमलेश ज्वेलर्स पे और शाम के समय डकैत आए और उन्होंने ज्वेलर्स जो कमलेश ज्वेलर्स के मालिक है जय सिंह जी उनको गोली चला करके उनकी हत्या कर दी, उनके परिवारजनों पे गोलियां चलाई है। तो ये बिल्कुल शहर के अंदर और इस तरह डकैतों का आना बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी क्रूरतम और जघन्य अपराध है ये। और इस विषय में आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के उनको ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जो मृतक व्यक्ति है जिनका डकैतों ने हत्या कर दी है उनको 1 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता दी जाए तुरंत प्रभाव से। और साथ ही जो डकैती और मर्डर के अंदर जघन्य 396 IPC में अपराध है जिसमें मृत्युदंड तक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो केस ऑफिसर स्कीम में इसको ले और शीघ्रातिशीघ्र इस पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए और उनको उचित सज़ा दिलाए, गिरफ्तार करें, ये सारे बिंदु हमने रखे हैं। साथ ही जो मृतक है उनके आश्रितों को नौकरी सरकारी दी जाए जिससे वो जो परिवार टूट गया है ज्वेलर का उसको राहत मिल सके। तो ये हमने आज मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे के मांग की और उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होगी। भाई साहब, क्या आपको लगता है कि पहले का कुछ मामला, पहले कोई धमकी वमकी उनको आई हो या ये एकदम से ही लूट का प्रयास है? एकदम से हुआ साहब, ज्ञापन दे दिए तो। कब की घटना है? कल शाम की। हमने देखा कि जिस प्रकार से कल शाम को भिवाड़ी के अंदर दिन दहाड़े एक सुनार के यहाँ पे हमला किया गया और गोली वहाँ पर चलाई गई उसके ऊपर, उनके परिवारजनों के ऊपर, जिसमें जो ज्वेलरी स्टोर के जो मालिक है उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई, तो समाज के लोग जो आज ज्ञापन देने आए हैं उनकी मांग है कि मृतक को, उसके माफ़ कीजिएगा, मृतक के आश्रित परिवार को एक सहायता राशि दी जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए। मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, उन्हें ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी ने इन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और जो भी दोषी हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।